सही बात है कि नहीं? मैं और अंकल बैठे हैं दोपहर में, हम दोनों ही बैठते दुकान पे। लेकिन अब क्या ही बोले, हमारे अंकल ने जो है थोड़ा बहुत काम जो उनका निपटाया और मेरा काम मैंने निपटा दिया, दोनों ने एक दूसरे का काम निपटा दिया। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय व्लॉग का शॉप व्लॉग। आई होप सब बढ़िया कर बढ़े रहना। सो गाइस, बज रहे अभी सुबह के 9 और मैं मस्त उठ के नाश्ता पानी हो करके पूरा हो गया था रेडी, और अब जाना है दुकान क्योंकि आज थोड़ा बहुत काम जो है वो जो है दुकान पे करना है, और थोड़ा बहुत जो है हो चुका है कल का, आज थोड़ा इनकम्प्लीट था तो वो सारा कुछ निपटाना है, और कल आ गया था वैसे भी ATM। ठीक है, तो आज से कुछ यार वैसे नेक्स्ट लेवल हो चुकी है, और कल से यार कॉलेज भी जाना है तो उसके लिए ना मुझे यार बस का मतलब जो है बस का जो पास आता है वो रिन्यू करवाना है, तो देखते हैं कब तक जाते। तो कोई ना, चलते हैं दुकान फिर आते हैं, फिर देखते कब तक रिन्यू वगैरह करवाते हैं। और ये क्या है भाई सब, अरे अरे क्या यार। चलो कोई ना, चलते दुकान, मिलते हैं सीधा दुकान। तो भाई सुबह सुबह में आ गया था दुकान, और दुकान पर आने के बाद भाई साहब पानी आया हुआ है, तो सोचा कि सब कुछ जो है प्लांटिंग मतलब पानी दे के फिर जो है वाटरिंग करने के बाद मैं चले जाऊंगा अंदर। तभी जस्ट पानी आया हुआ है, तो दो तीन चार पाँच छः और ये 7। ठीक है, ये सबको पानी देने के बाद मतलब जाऊंगा अंदर। तो अभी जो है थोड़ा बहुत बाकी है, तो अभी थोड़ा बहुत जो है सबको थोड़ा थोड़ा दे देते, और ये यहाँ पे तो मतलब फूल है ही पहले से, लेकिन यहाँ पे दे देते क्योंकि ये जो है थोड़ा बहुत टेढ़ा हो चुका है, ये थोड़ा बहुत टेढ़ा हो चुका है। बट चलिए ना, ये वो लेमन के ट्री को भी बाकी है तो उसको भी देना है, और यहाँ पे इसको भी बाकी है। नहीं तो मतलब पानी आने से पहले ना ये सबसे पहले पीता है ये, बट अभी क्या ही कर सकते हैं। और आज भाई साहब जो है, आज जो है भाई साहब पास रिन्यू करवाने जाना, कल जाना मुझे कॉलेज, तो कॉलेज के लिए मुझे जो है पास रिन्यू करवाना पड़ेगा बस की है। ठीक है, तो वो भी करवाना है आज, देखते यार प्रेशर ही प्रेशर है 2-3 दिन से। बट कोई ना, अब जो है दूसरी जगह पिला देते हैं, दूसरी जगह भी देना ये बाकी है हमारे लेमन को। ए ले गया नाना, अच्छा हाँ, अरे हाँ, तो यहाँ पे इसको भी। कोई ना यार, बस ऐसे प्लांटिंग करते हैं क्योंकि ना यार ये सब चीज़ में ना सुकून मिलता है, बस सबके बता रहा हूँ सुकून सा मिलता है भाई साहब। आजकल यार तुम्हारे भाई पे ना यार लोग हंस रहे कि ये क्या कर रहा पागलपन। कोई ना यार, सबके दिन आएंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं, बोलने तो जिसको जो बोलना बोले, तो हमें दिमाग में नहीं लेना है, जिसको जो करना है वो अपने गोल पर फोकस करता है। ठीक है, जिसको जो करना है, आज देख रहे हो जो बोलना है बोलने दो, अगर आप कुछ काम कर रहे हो ना तो आप करते रहो। ठीक है, लोगों का काम है हंसना बोलना। ठीक है, लोग बोलते हैं, ठीक है, साथ नहीं देते, हाथ नहीं पकड़ते, तो आपको जो सही लग रहा है आप वो करो, पब्लिक पे ध्यान मत दिया करो, है ना। पब्लिक तो यार बोलती है, तुम्हें डिमोटिव करती है, डिमोटिवेट करती है, तो आप जो उन लोग पे फोकस ना करें और अपना जो काम है, जिस जो गोल को आपने सेट किया है ना, वो गोल पे आप काम कीजिए। ठीक है, और बाकी यार वैसे भी हमारा जो स्टोर वाटर है, ठीक है, जहाँ पे ये वाटर स्टोर होता है, ये भी यहाँ पे भरना है। और पहले ना मैं मतलब मैं पानी पिला रहा था सामने की ओर, बट फिर मैंने देखा कि यार पहले स्टोर, हमारा जो स्टोर वाटर टैंक है वो बाकी है स्टोर करना, इसमें पानी स्टोर करना बाकी है, तो वो स्टोर हो गया। और फिर अभी जो है यहाँ पर वाटरिंग होगा, क्योंकि यार देखो वैसे लिटरली बताओ तो मुझे ना वाटरिंग ट्री को वाटर देना, पानी देना, ठीक है, मुझे सुकून सा लगता है, और ये काम मैं खुद ही करता हूँ। ठीक है, जब तक मैं होता हूँ यहाँ पे तब तक कि मैं करता हूँ, अगर कॉलेज गया हुआ तो उसका तो पता नहीं है, बट हाँ जब तक कि मैं यहाँ रहता हूँ तब तक ये काम मैं ही करता हूँ। तो अगर आप भी करते हो तो यार आप कमेंट करके ज़रूर बताना। और ब्राइटनेस थोड़ी सी, अच्छा हाँ अब ठीक हो गई है। तो कोई ना यार, ये काम निपट लेते हैं, फिर इसके बाद जाएंगे पास रिन्यू करवाने के लिए, है ना। तो कोई ना, आप चलते हैं। तो गाइस, बज रहे अभी दोपहर के 2 और मैं आ गया था घर पे, अब हो रहा है खाना खाने का टाइम। ठीक है, अभी मुझे मिला है आधे घंटे का ब्रेक। ठीक है, आधे घंटे के बाद वापस से जाना है दुकान,
तो खाना खा लेते हैं। खाना खाने के बाद अब मैं सोच रहा हूँ कि पास को रिन्यू करवा देता हूँ आज, और रिन्यू करवाने के बाद फिर कल से जो है वापस से कॉलेज स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि कल भी रेस्ट ली थी और आज भी ले, दो दिन रेस्ट ले लिया है। अब चलते हैं कल, शायद कल से सुबह जल्दी उठना पड़ेगा, क्योंकि कल से हो रहा है सेम टू स्टार्ट। ठीक है, सेम टू की कल से वापस से जो है तैयारी स्टार्ट हो जाएगी, और सेम टू जो है कल से स्टार्ट हो जाएगा बीबीए का, तो इसीलिए कल से जाना पड़ेगा कॉलेज। और कोई ना यार, अब खाना खा लेते हैं फिर चलते हैं दुकान। खाना खा के निकल ही गया था, उतने में इन लोग मिल गए ट्यूशन जाते हुए, भाई साहब सब के सब, ये तीनों के तीनों जुगल जोड़ी। बाइक लेके जा रहे, ये बंदा बहुत दिनों के बाद मिला। लास्ट तुम किधर मिले थे मेरे को? ना वहाँ पे छत पे, छत पे हाँ, नहीं तो अपन वहाँ क्रिकेट खेलने जाते थे। ओए क्रिकेट खेलने जाते थे मालूम है, याद है ना? चलो कोई ना, मैं तो चलता हूँ, तुम तो छोड़ने आओगे नहीं। अब ऐसा भी सब के सब जा रहे ट्यूशन। फाइनली पहुंच गए बस स्पॉट, और अभी जो है पास वगैरह रिन्यू करवाना है। एक भाई हमारे और मिले हुए हैं जो कि आए हुए थे पास रिन्यू करवाने के लिए। जब से कॉलेज वगैरह खुल गई है ना, तब से मतलब क्या ही बताए, इतना एक्साइटमेंट है कॉलेज जाने के लिए कि पास रिन्यू करवाना भी याद रहता है। फाइनली हमारा पास जो है बस का हो चुका है रिन्यू, और पहले ना हाईवे पे था जहाँ पे मैं उतरता हूँ वहाँ पे था, लेकिन अब जो है ये गाँव के इसमें है, जो कि मतलब जो वो जो बस स्पॉट है वो हाईवे के ऊपर है। ठीक है, और ये जो है गांव के अंदर है, दो तीन यहाँ पे तीन बस स्पॉट है। कोई नहीं, हो चुका है रिन्यू, अब चलते हैं घर, मिलते हैं आपको सीधा घर, और घर जाने के बाद फिर जाना है दुकान। भाई सब नेक्स्ट लेवल है भाई। हमारा जो है पास हो गया था रिन्यू कंप्लीट, और अब कल से जाना है कॉलेज। भाई साहब बज रहे अभी 3:30, 3:30 बजने वाले हैं। मैं और अंकल दोनों बैठे हैं। क्यों अंकल? यस, सही बात है कि नहीं? मैं और अंकल बैठे हैं दोपहर में, हम दोनों ही बैठते हैं दुकान पे। लेकिन अब क्या ही बोले, हमारे अंकल ने जो है थोड़ा बहुत काम जो है उनका निपटाया, और मेरा काम मैंने निपटा दिया, दोनों ने एक दूसरे का काम निपटा दिया। अब बैठना है शाम के 8 बजे तक, अंकल हमारे निकल जाते हैं 6:30 बजे। अंकल yes. 6:30 बजे आप चले जाते हैं, सही बात है? yes, yes. चलो बढ़िया, क्योंकि अंकल को छोड़ने में जाता हूँ। और एक अच्छी बात बताओ अंकल की एक अच्छी बात बताता हूँ, कि अगर मैं समझ लो कोई रिपेयरिंग में कुछ गलत कर रहा हूँ या तो नहीं समझ में आता है ना, तो अंकल मेरे को सिखाते हैं जरूर। Yes. दिल से सिखाते हैं, भले मैं समझू ना समझू, अंकल समझाते ही समझाते हैं। एक होता है ना यार के दो बार तीन बार समझाते फिर आदमी जो है छोड़ देता है समझाना, लेकिन अंकल जो है मुझे इतना सपोर्ट करते और इतना समझाते हैं कि मैं आखिर में समझ ही जाता हूँ। कभी कभी मैं गलत भी हो जाता हूँ, कभी अंकल पे मैं खुद भी गुस्सा हो जाता हूँ। बट कोई ना अंकल, वैसे आपको कैसा लग रहा है हमारे यूट्यूब चैनल पे आने के बाद? मेरे पास तो बच्चा कौन मैं? अच्छा, मैं तो बच्चा रहूंगा, लेकिन यार बहुत सपोर्टिव अंकल है हमारे जो कि मुझे सपोर्ट करते हैं। तो गाइस बज रहे भी रात के 9, और मैं आ गया था टेरिस पे, कल से कॉलेज स्टार्ट हो रही है, तो कल जाना है वापस से कॉलेज। दो दिन का रेस्ट लिया हुआ था भाई साहब, कल से चलना है वापस से कॉलेज। सुबह में वही अपना जो है डेली रूटीन, जो है सुबह 5:30-6 बजे जो जाते थे वही टाइम पर हमें जो है जाना है। तो कोई ना यार, आज के लिए इतने होप्स करते कि आज का व्लॉग आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो व्लॉग को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं मैं जरूर व्लॉग के साथ। टिल देन बाय बाय, बी सेफ, टेक केयर, गुड नाइट।